सुखपाल सिंह खैरा की पटीशन दी जिस उत्ते सुनवाई हुई है हाईकोर्ट के उन्होंने पटीशन पाई हुई है। सुखपाल खैरा की पटीशन से कल फैसला आ सकता है। दरअसल नशे के केस के सुखपाल सिंह खैरा बीते दिन ही गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बीते दिन ही दो दिन का रिमांड भी मुड़ तो उन्होंने हासिल किया गया है। हाईकोर्ट के खैरा ने उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ एक पटीशन दाखिल की हुई है तो इस गैर कानूनी दसया गया। तो उन्होंने कहा कि 2015 का केस जिहड़ा जिसका निपटारा हो चुका है उस केस के जिहड़े मुलजम से उन्होंने सजावं हो चुकिया ने तो ये उन्होंने खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। दसिए कि कल भी हालांकि बहस भी जारी रहेगी तो कल उन्होंने इस पटीशन से फैसला आने की भी संभावना है। सुखपाल सिंह खैरा की पटीशन दी जिस उत्ते सुनवाई हुई है हाईकोर्ट के उन्होंने पटीशन पाई हुई है। सुखपाल खैरा की पटीशन से कल फैसला आ सकता है। दरअसल नशे के केस के सुखपाल सिंह खैरा बीते दिन ही गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बीते दिन ही दो दिन का रिमांड भी मुड़ तो उन्होंने हासिल किया गया है। हाईकोर्ट के खैरा ने उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ एक पटीशन दाखिल की हुई है तो इस गैर कानूनी दसया गया। तो उन्होंने कहा कि 2015 का केस जिहड़ा जिसका निपटारा हो चुका है उस केस के जिहड़े मुलजम से उन्होंने सजावं हो चुकिया ने तो ये उन्होंने खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। दसिए कि कल भी हालांकि बहस भी जारी रहेगी तो कल उन्होंने इस पटीशन से फैसला आने की भी संभावना है। सुखपाल सिंह खैरा की पटीशन दी जिस उत्ते सुनवाई हुई है हाईकोर्ट के उन्होंने पटीशन पाई हुई है। सुखपाल खैरा की पटीशन से कल फैसला आ सकता है। दरअसल नशे के केस के सुखपाल सिंह खैरा बीते दिन ही गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बीते दिन ही दो दिन का रिमांड भी मुड़ तो उन्होंने हासिल किया गया है। हाईकोर्ट के खैरा ने उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ एक पटीशन दाखिल की हुई है तो इस गैर कानूनी दसया गया। तो उन्होंने कहा कि 2015 का केस जिहड़ा जिसका निपटारा हो चुका है उस केस के जिहड़े मुलजम से उन्होंने सजावं हो चुकिया ने तो ये उन्होंने खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। दसिए कि कल भी हालांकि बहस भी जारी रहेगी तो कल उन्होंने इस पटीशन से फैसला आने की भी संभावना है।